नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह। जसबीर सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आप पहले भी माइनॉरिटी कमीशन में एज अ मेंबर भी रह चुके हैं, फिर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अब फिर जब भाजपा की सरकार आई है तो मैडम ने आपको ये भार दिया है संभालने के लिए। सर, एक माहौल बना हुआ है कि भारत में रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर आज के दिन बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियन फ्रीडम कहता है कि रिलीजियस टॉलरेंस इज ऑन द डिक्लाइन, इट इज़ डिटीरियोरेटिंग इन इंडिया। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं अमेरिका की इस एजेंसी की राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भारत में जो बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं सर, उससे तो मैं समझता हूँ कि अब उस बात को मैं उस चर्चा में तो विवाद में नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की जीवन शैली और जो हमारे यहाँ की जो सनातन परंपरा रही है, मैं कई बार ये कहता हूँ कि दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जिसके DNA के अंदर जो है ना रिलीजियस टॉलरेंस, सहनशीलता, वो हमेशा से रही है। वो आज की नहीं है, शताब्दियों से रही है। कबीर के समय से कबीर जी ने, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर भी इसको बता सकता हूँ, कबीर ने हमारे यहाँ की जो बसी परंपराएं थी उनके ऊपर बहुत बड़े प्रहार किए, लेकिन कबीर को भी यहाँ पूजा गया। और महर्षि चार्वाक जैसे व्यक्ति जिन्होंने ये कहा था कि आत्मा और परमात्मा क्या होता है, जो उन्होंने बड़ी विपरीत बात कही थी, उनको भी हमने जो है ना एक संत की उपाधि दी और उनको हमने इज्जत दी। तो आज के युग में भी, इस वर्तमान भारत के अंदर भी, पंथ निरपेक्षता के आधार के ऊपर ये देश, ये समाज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा कई सालों तक। इसलिए मैं समझता नहीं हूँ कि यहाँ पर रिलीजियस इनटॉलरेंस कहीं पर भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है अपनी धार्मिक परंपराओं को। सर, कश्मीर तो नहीं बोले, कश्मीरी पंडित नाराज़ हो जाएंगे। जहाँ है आज़ादी वहाँ हम भी जानते हैं और जहाँ नहीं है वहाँ हम भी जानते हैं, लेकिन बात ये नहीं हो रही है कि आज हमारे पास रिलीजियस इनटॉलरेंस नहीं है। एक ये हो रही है कि कम हो रही है इंसान में। सर देखिए, ये तो आप मानेंगे ना सर, टॉलरेंस तो कम हो रही है, चाहे वो माँ बाप की बच्चों के प्रति हो, चाहे वो बच्चों के माँ बाप के प्रति हो, चाहे वो सड़क पर हो। तो हम ये क्यों नहीं माने कि हाँ भाई, हो सकता है ये जो एक हम लोगों में आज के दिन एक रोष है वो स्पिल ओवर कर रहा है हमारी धार्मिक गतिविधियों में और सोच में भी। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति से व्यक्ति डिफर करती है बात, किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है, ऐसा परसेप्शन उसका हो, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकारों के स्तर पर, अदालतों के स्तर पर और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लेजिस्लेशन करने वाले हैं, मीडिया है, ये जो हमारे पिलर्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के और हमारे समाज के, ये बाय एंड लार्ज बिल्कुल टोटली बड़े सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर चलते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की जसबीर जी, कि ये हो सकता है कि कहीं एक किसी भी विशेष धर्म का नाम ना लेते हुए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी का हो, एक विशेष फ्रिंज ग्रुप कहीं कुछ गलत बोल रहा हो, कहीं कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन जो भारत की बेस है, जो हमारी रूह है, जो हमारा सोल है, जो हमारी सरकार है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा लेजिस्लेटिव है, वो सेक्युलर है और उसके लिए सब धर्म बराबर है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पास सर लोग क्या आते हैं क्या कि जी मेरे को, क्योंकि मैं मेजोरिटी धर्म से नहीं हूँ या मैं इस वाले माइनॉरिटी से हूँ, इसलिए मेरे ये वाली सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे साथ मतलब ये पुलिस मेरा केस नहीं ले रही है, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? ऐसे देखिए आते हैं कभी कभी, तो कुछ बढ़ोतरी देखी आपने उनमें? नहीं, ऐसे मैं समझता हूँ कि जब मैं पिछली बार भी रहा इसका अध्यक्ष और अभी भी हूँ, मैं पिछले करीबन 3-4 महीने होने को आ रहे हैं, इस किस्म के केसेस अभी संख्या में बहुत कम है इस समय। कभी कभी इक्का दुक्का किसी जिले से आती है और वो भी विशेष तौर पर आती है, जो कंप्लेंट्स भी आती है तो वो पुलिस के संबंध में जरूर आती है अवश्य। वो तो सर देखिए, मेरे ख्याल से उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना, वो तो भारत की जनता से लेना देना है। और कई बार क्या होता है कि कोई अपराध करते भी हैं, उनके साथ वो विक्टिम भी होते हैं, दोनों बातें होती हैं। सब इंसान तो इंसान जी जी, कई बार विक्टिम भी हैं, कई बार परपेट्रेटर भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजस्थान में ओवरऑल ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं। सर अभी आपने बात करी है कि बिल्कुल आप अच्छी बात है कि राजस्थान में ऐसी शिकायतें बहुत कम हैं, लेकिन सर अगर हम लोग बात करते हैं अब अल्पसंख्यक आयोग की और अल्पसंख्यकों को जो एक स्पेशल बेनिफिट्स देके राजस्थान की सरकार एवं केंद्र की सरकार बैलेंस करना चाह रही है सर्टेन नोशंस को, तो
उसमें सर जो शिकायतें आती हैं वो काफ़ी हद तक जेन्युइन हैं, चाहे हम लोग स्कॉलरशिप्स को लेके बात करेंगे, हम लोग बिजनेस लोन्स को लेके बात करेंगे, हम लोग एजुकेशन लोन्स को लेके बात करेंगे। पहले मैं चर्चा शुरू करती हूँ जी स्कॉलरशिप से। सबसे पहले जो टोंक में स्कॉलरशिप स्कैम है उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, स्कॉलरशिप्स की जो योजना है वो केंद्र सरकार की बहुत ही एम्बिशियस योजना है और उसमें केंद्र सरकार की आजकल सारी योजना एम्बिशियस हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड भी देखना पड़ेगा ना। ऑन ग्राउंड देखिए क्या है कि इसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तीन मेन कैटेगरीज हैं, जिसमें स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स बहुत बड़ी संख्या में, फिर उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो 11th क्लास से लेकर और रिसर्च तक अगर आप जाते हैं, PhD भी करते हैं किसी कोर्स में, और उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है स्कॉलरशिप्स की मेरिट कम मींस, जिसके अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आप चाहे इंजीनियरिंग में जाते हैं, चाहे मेडिसिन में जाते हैं, चाहे बायोटेक में जाते हैं, किसी भी फील्ड में आप चाहे फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर कोई कोर्स करने जाते हैं, उसमें भी स्कॉलरशिप हैं। और उसी तरीके से हिंदुस्तान की 80 जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें हमारी जितनी IIMs हैं, जितनी IITs हैं, PGI चंडीगढ़ है, एम्स दिल्ली है, राजस्थान में जयपुर में मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, उदयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर अगर किसी भी माइनॉरिटी के बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो उसकी टोटल फ़ी, चाहे वो उसका कोर्स 3 साल का हो चाहे 5 साल का हो, टोटल फ़ी वो डिसबर्स होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उसमें स्कैम क्या हुआ सर? नहीं, कोई ऐसे स्कैम, देखिए क्या है कि अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टली मॉनिटर होता है। Okay. और वो स्कीम जो है, ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया वो इस साल ही बनाया गया 2015-16 के लिए। तो उसमें एप्लीकेशन जितनी आ रही हैं उनको प्रोसेस करना, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर ही उनके आने के बाद, उनकी स्क्रीनिंग होने के बाद ही डिसबर्समेंट हो रहा है। सर, ये डिसबर्समेंट वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगी। पहले जैसे आपने कहा कि भाई पोर्टल पर आना, उनकी स्क्रीनिंग होना, ये मेरा दूसरा पॉइंट था सर स्कॉलरशिप को लेके, और वो था डिले का। मतलब बच्चा तो सर एडमिट हो गया, वो पता चलता है जी इंजीनियरिंग पास आउट कर जाता है, अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आती। डिले को कैसे कम करेंगे ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी स्कीम्स बहुत अच्छी होती हैं, हमारे देश की भलाई के लिए होती हैं, देशवासियों की भलाई के लिए होती हैं, लेकिन जब तक वो बूंद बूंद करके नीचे आती हैं तो कई बार जिसको ज़रूरत है वो पहुंचती नहीं है। आइए जानते हैं जसबीर सिंह जी से कि वो कैसे इंश्योर करेंगे कि जी ऐसे आपने कहा बच्चा थ्रू हो गया, ठीक है, अब सर उसको तो 3 महीने के अंदर अंदर चाहिए वो फीस जमा कराने के लिए। और हमारे यहाँ पता चलता है सर 2-2 साल वो बेचारे माँ बाप के जूते घिस जाते हैं सर, और स्कॉलरशिप नहीं आती। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ अनीता जी, कि वो अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। बिल्कुल सही। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर आज प्यास लगी है, ज़रूरत आज है, तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर लोगों को वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। सही है। और ये स्कॉलरशिप्स का भी एक ऐसा मसला है कि बच्चे ने अगर अप्रैल के अंदर एडमिशन लिया है तो हम ये आशा करते हैं, और उस बच्चे को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले 2-3 महीने के अंदर जैसे ही वो एप्लीकेशंस की खुले टाइम और उसके अंदर वो जल्दी प्रोसेस हो। इस साल सिर्फ ये कि 2015-16 के अंदर दिस इज़ एन एबरेशन, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें टेक्निकल तकलीफें आई, क्योंकि सारी स्कीम को एक ही पोर्टल पर दिया गया था। लेकिन सर, अभी मैंने ये राय दी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले समय पे हो रहा था? समय पर पीछे जो है, पहले समय पर हो रहा था पीछे। मेरे ख्याल से सर स्मृति ईरानी जी ने अभी पीछे पार्लियामेंट में एक केस लेते हुए कहा था ना कि कश्मीर से एक बच्चे ने मुझे पत्र लिखा है कि मैडम मेरी स्कॉलरशिप नहीं हुई है, और ट्विटर पे भी उनको रेगुलरली सर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बच्चे टैग कर करके लिखते रहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अभी पीछे भी दिल्ली में जब हमारी माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर के अंदर मीटिंग हुई, हमने उनको भी ये कहा है कि अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, आप इसके जून के अंदर एप्लीकेशंस लीजिए, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस जो है जून तक चलती रहती है। कुछ कोर्सेज के एडमिशन जो है बाद में होते हैं, जुलाई अगस्त तक चलती चलते रहता है, लेकिन आप एक पीरियड रखिएगा कि जून तक आप एक पहला लॉट जो है स्कॉलरशिप्स के लिए जो एप्लीकेशन इन्विटेशन का है, दैट शुड बी डन बाय 30th of June, सो दैट वी गेट ऑल दी एप्लीकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। सर, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है कि बच्चा किसी पुअर फैमिली से होना चाहिए, या बच्चा मतलब कोई एक हायरार्की है क्या, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? जी, उसमें ये है कि अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें 1.5 लाख रुपए तक की इनकम
अच्छा, फिर तो उसके बाद 2.5 लाख रुपए तक वेरीफाई होनी होती जी, वेरीफाई होनी होती है। और उसमें जो एप्लीकेशन भी है, उसने के बच्चे ने मल्टीपल एप्लीकेशन ना लगा दी हो, उसको एक स्कॉलरशिप मिलनी है अगर वो ओबीसी में और माइनॉरिटी में है, और उसने अगर उसने ओबीसी के अंदर उसने अप्लाई कर दिया या एससी कैटेगरी के अंदर, उसको दो नहीं मिलने चाहिए ना, दो नहीं मिलेंगी, तो इसलिए स्क्रीनिंग में टाइम लगता है। लेकिन हमने अभी मिनिस्ट्री को कहा कि आप ये इंश्योर करिएगा कि बच्चों को टाइम पर स्कॉलरशिप मिले। दूसरा इसमें एक और भी मुद्दा जो रिलेटेड है इससे, जिसके बारे में मैं अनीता जी आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो फंड्स हैं स्कॉलरशिप्स के, दे आर लिमिटेड। तो हमने उनको अभी ये भी सुझाव दिया है कि आप जो है चाहे इसमें जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है चाहे थोड़ा कम कर दें आप, लेकिन जो एप्लीकेंट्स हैं मैक्सिमम बढ़ा दें। मैक्सिमम एप्लीकेंट्स भाई, एक बच्चे की सारी फीस माफ करने के बजाय आप दो बच्चों के 50% कर दें। तो हमने उनको ये प्रपोजल दिया है। मैं समझता हूँ कि उस प्रपोजल को इस बार हमने नजमा जी को भी ये भेजा है, मिनिस्टर जो माइनॉरिटी अफेयर्स की हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल उसके अंदर कुछ तब्दीलियां होने की पूरी संभावना है। चलिए जो उम्मीद करते हैं जी। सर अभी एक ई स्कॉलरशिप करके आपके वेबसाइट पर भी है, इनके ऊपर है, तो उसमें से आपको क्या लगता है कितनी गर्ल स्टूडेंट्स को बेनिफिट, उसमें लिखा हुआ है भाई स्पेशल फोकस दिया जाएगा गर्ल चाइल्ड को, कितनी गर्ल चिल्ड्रन को? देखिए गर्ल्स का कोई ऐसा मेरे पास अभी इस समय तो कोई आंकड़ा ऐसा नहीं, नहीं मतलब मेरा सिर्फ एक मुझे मतलब था कि भाई क्या लोग अवेयर हैं, क्या लड़कियां आगे आ रही, क्योंकि सर देखिए बहुत बार ये होता है सरकारी स्कीमें एक तरफ होती हैं और लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती। देखिए बच्चियों की, माइनॉरिटीज़ की बच्चियां भी इसमें बड़ी तादाद के अंदर अप्लाई कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी संख्या एक रीजनेबल, तो हम ये तब मानेंगे कि जब 50% बच्चियां जो हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में भी हैं, तो 50% के करीब स्कॉलरशिप्स में एंटाइटलमेंट जो है बच्चियों का बन जाए, हमारा दैट विल बी एन आइडियल स्टेट। उसके लिए लगातार प्रयास करें। कोई भी बेनिफिट लेने के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे पहली नीड होती है एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट देखिए उसमें हमने एक ऐसा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है कि इसमें अगर वो सेल्फ एफिडेविट भी देते थे तो उनको भी स्कॉलरशिप्स दी गई हैं, उनकी पहचान जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो ये वेरीफाई कर देते हैं कि ये बच्चा जो है इस माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो उसकी एप्लीकेशन भी हम उसमें प्रोसेस में चली जाती है। सर जेंट्स भी माइनॉरिटी में आते हैं जी, उनका भी कोटा ऑफ स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है? हाँ जी, देखिए हर जगह पर उनकी डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन, अगर 100 स्कॉलरशिप्स हैं माइनॉरिटीज़ की तो जिस राज्य के अंदर जितनी आबादी किस कम्युनिटी की है उसी रेशो के अंदर वो स्कॉलरशिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। और अगर मानिए कि जो अगर ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपने स्कॉर्स देनी है जी आबादी की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, एक कम्युनिटी के इतने बच्चे नहीं है जो अप्लाई करते हैं, तो क्या वो बेनिफिट दूसरे कम्युनिटी के बच्चों को जाता है? जी वो ट्रांसफर हो जाता है, वो ट्रांसफर जी। सर अभी ये तो रही बच्चों की पढ़ाई की बात, फिक्स है इसलिए वो उसमें चला जाता है जी दूसरी कम्युनिटी के, तो सर ओवर अप्लाई जिन्होंने किया हुआ। वैसे तो सर हमारा देश सरकारी नौकरी की उम्मीद पर चलता है, पर फिर भी आपने बिजनेस लोन्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन्स एक कर रखे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, कितना सिंपल है? क्योंकि आज हमारे जो लाखों करोड़ों ईटीवी के दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज से एक उनको बेनिफिट भी मिले कि हम लोग किस तरह से लोन लेके केवल एक सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय ना बने, हम लोग अपने देश में एक भागीदारी बने, अपना अपना बिजनेस खड़ा करके, लेट अस बिकम एम्प्लॉयज रादर देन जस्ट एम्प्लॉयर्स। ये इसका जवाब हम आपसे जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, प्राइवेट भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो फिर अपना ही कुछ कर लेते हैं, है ना? माँ बाप तो कहेंगे अरे बेटा किसी का कुछ नहीं हुआ, उनको देख लो, उनको देख लो, लेकिन भारत बदल रहा है जी, न्यू बिजनेसेस आर कमिंग अप। बिजनेस लोन की बात जब हम लोग करते हैं, हाउ सिंपल इज इट, और क्या फ़ायदा है एक माइनॉरिटी के इंसान को, अगर मैं एक माइनॉरिटी से हूँ, कि मैं आपके पास आके बिजनेस लोन लूँ, मैं बाहर से क्यों नहीं लूँ? देखिए हमारे यहाँ पर जो है एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना हुआ है फाइनेंस का, उसी तरीके से राज्यों में भी बना हुआ है, हमारे यहाँ राजस्थान में भी माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। उसके अंदर दो किस्म के लोन दिए जाते हैं, एक एडुकेशन के लिए, आप हिंदुस्तान में भी एडुकेशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए भी लोन दिया जाता है, स्कॉलरशिप से परे। हाँ स्कॉलरशिप से परे, और विदेश में स्कॉलरशिप के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप विदेश में भी जा रहे हैं, विदेश में भी आप एडुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एडुकेशन के लिए लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो 6% की दर से दिया जाता है, रिड्यूसिंग रेट से। और इसके साथ साथ अगर कोई बिजनेस भी करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, उसमें 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो एंटाइटल्ड है माइनॉरिटी के लोग,
वो जो 6% पर मिलता है, और महिला उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर वो दर जो ब्याज की है वो 4% रखी गई है, और उसमें भी साथ में एक और भी बेनिफिट दिया जाता है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं कि अगर वो टाइमली पेमेंट कर रही हैं इंस्टॉलमेंट्स की तो उनका जो इंटरेस्ट है वो टोटली वेव कर दिया जाता है, एंड दे हैव ओनली टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ही उनको देना होता है। सर, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी कुछ ग्रांट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? देखिए, ऐसे फिर वही बात है कि सर बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, और भी बहुत सारी हैं स्कीम्स में जिसमें कि हमारी माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जानकारी नहीं पहुँचती। मैं अभी जैसे इसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे अभी आप लोन्स के बारे में बात कर रहे थे, आपने कल ही मैंने कुछ मीडिया के साथियों से बात करते हुए बताया है, मैं अभी दिल्ली में अभी 4 दिन पहले मीटिंग कर आया हूँ माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। हम यहाँ पर एक लोन्स के लिए मेला या एग्जीबिशन टाइप का एक कंसेप्ट हम लेकर आए हैं जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, और हम अधिकारियों के साथ एक मेला टाइप की चीज़ करेंगे जल्दी आपको मिलेगा कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जहाँ पर पूरी स्कीम के साथ अवेयर कराना, उनकी एप्लीकेशंस का भी बंदोबस्त करना। सर, इसमें थोड़ा सा इस हिसाब से भी देख के जाएं कि डिविजनल हेडक्वार्टर में ना जाएं, सिर्फ वहाँ देख के जाएं, आपके पास तो पूरे के पूरे सेंसस के डिटेल्स होंगे कि कहाँ पर माइनॉरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी भी है उनकी जरूरत के हिसाब से। जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स का तो मैंने नाम इसलिए लिया कि वहां से बिगिन करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो 24 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन ब्लॉक्स है तहसील स्तर पर, 24 तहसीलें हैं जो ईयर मार्क्ड हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज की आबादी ज्यादा है, तो वहां पर भी हम जाएंगे और वहां पर भी हम ये लोन मेलों के थ्रू अवेयरनेस का काम करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि अभी आपने जो बताया वो सबसे बड़ी बात यही है कि अवेयरनेस की कमी होने की वजह से लोग बाग इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते और करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो लैप्स होते हैं। एक थोड़ा सा अभी से हटके मैं प्रश्न पूछूंगी, आप फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में अपने आई थिंक नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मुझे 2-3 पंक्तियों में बताइए क्या है ये? देखिए, ये हमारी एक ऐसी संस्था है जो देश की आज राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कुछ लोगों को लगता है कि देश की रक्षा का काम सिर्फ सेना और पुलिस का है। हमने इस कंसेप्ट को बदलने का काम किया है, और हमारी संस्था के अंदर बड़े सीनियर लेवल के ऊपर जिन्होंने सेना में और पुलिस में काम किया है, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल पर, ब्रिगेडियर्स के लेवल के ऊपर, मेजर जनरल के लेवल के ऊपर, ऐसे तमाम लोगों को हमने जो रिटायर्ड हैं उन लोगों को हमने जोड़ा है जिससे हम उनके समय का और उनके अनुभव का हम उपयोग कर सकें और देश और आम जनता को अवेयर करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के। हमने इस किस्म के जो विश्वविद्यालय केंद्र और कॉलेज केंद्र हैं वहां पर हम लगातार सेमिनार्स करते हैं, गोष्ठियां करते हैं बच्चों में, युवाओं में, और मैसेज को लेकर। सर, ये मेरा आखिरी प्रश्न है, आप अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी कमीशन के, तो क्या माइनॉरिटी कमीशन यही काम करता है, जनसुनवाई, स्कीम्स आगे तक पहुंचाना और लोगों की सुनना, या कुछ आप एक ऐसा इनिशिएटिव भी करना चाहते हैं कि जो एक नेशनली और इंटरनेशनली हम अलग अलग धर्मों के बीच में खिंचाव देख रहे हैं कि हम लोग एक सद्भावना का माहौल बनाने के लिए आप कुछ इनिशिएट भी करने की सोच रहे हैं? देखिए, हम ये नवाचार के रूप में इस कमीशन के अंदर, पिछली बार भी जब मैं चेयरमैन था तो उस समय भी हमने किया था, हमारे देश के अंदर अलग अलग धार्मिक परंपराएं हैं, हमारे यहाँ बहुत से महापुरुष हुए हैं, चाहे बौद्ध परंपरा में हो, चाहे सनातन परंपरा में हो, चाहे सिख परंपरा में हो, तो हमने एक तो ये नवाचार प्रारंभ किया है कि प्रत्येक धर्म का जो प्रमुख धार्मिक त्यौहार है उसको कमीशन के स्तर के ऊपर सारे ही वर्गों के लोगों को बुलाकर मनाएंगे हम। बिल्कुल अच्छी बात है। इस क्रम में हमने पीछे वैसाखी का कार्यक्रम भी किया, अभी मैं 5-6 दिन पहले जैन संत है यहाँ पर सुखलाल जी थे उनसे भी मैं मिलकर आया हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी के भी चरणों में मेरे को बैठने का अवसर मिला है, अभी आगे बुद्ध पूर्णिमा आ रही है उस पर भी हम एक आयोजन करने वाले हैं। तो सामाजिक और धार्मिक समरसता किसी भी समाज को आगे लेकर जाने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से इन बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी जी, ठीक है, और यही एक ख्याल हम अपने मन में रखें कि भारत सभी का बराबर है और हम सबको मिलजुल के लेना है, जब तक हम लोग साथ मिलजुल के एकजुट होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक भारत माता की जय असल में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये इसी भाव के साथ हम आयोग में भी पूरे उत्साह और जुनून के साथ काम कर रहे हैं, और आशा है कि आप सबका भी सहयोग मिलेगा, मीडिया का सहयोग भी बहुत, ईटीवी का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि ईटीवी की पहुंच जो है राजस्थान के गांव-गांव में, तहसील तहसील में और जिले जिले में। बिल्कुल जी, और हम आपकी बात राजस्थान की जनता को जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये था आमने सामने जसबीर सिंह जी के साथ, मैं जल्दी आपके बीच दोबारा होंगी, तब तक जय हिंद।